हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तबीयत शबीयत ठीक है? मैं हूँ शहबाज अहमद। आप देख रहे हैं YouTube चैनल परदेसी मुंडा। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। तो जी, सुबह के बज गए हैं 10। तो मैं घर से आ गया था 8:30 बजे। तो एक दो काम से प्रेस के वो किए हैं और फिर अब निकल आऊँ बाहर। एक मशीन ख़राब है, उसके ये वाले पुर्जे लेने, ये वाले जो बटन है इलेक्ट्रिक, ये वाले लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें जी वीडियो भी स्टार्ट की जाए, तो चलते हैं जाके ये वाले स्विच लेते हैं। ये वाले स्विच ले कर फिर आएंगे वापस। और अब एक दो दिन में अपनी टिकट भी लेनी है, क्योंकि अबू जी की तैयारी हो रही है। अबू जी ने जाना है पाकिस्तान, पाकिस्तान जाना है अबू जी ने। छोटी सिस्टर की और छोटे भाई की शादी करनी है हमने। अबू जी जाएंगे, नवंबर के एंड में शादी होंगी, नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में, क्योंकि अबू ने जाके डेट्स वगैरह फाइनल करनी है। तो अबू अब टिकट लेंगे, 15-20 दिन तक अबू चले जाएँगे, क्योंकि आज 26-27 हो गई है। तो अबू ने अगले महीने के 20 तक चले जाना है, बस 20-25 दिन है और अबू तो चले जाएँगे। फिर जाके डेट वगैरह फाइनल करेंगे सारा कुछ, फिर छाती से पहले कुछ दिन पहले मैं जाऊंगा। तो ऐसे समझ लें आज या कल एक दो दिन में, 2-3 दिन में अबू की टिकट फाइनल हो जाएगी किस दिन को जाना है। फिर उनकी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो होगी, क्योंकि शॉपिंग करनी नहीं है, क्योंकि हमने पिछले दिन 600 किलो 700 किलो का ना वो भेजा कार को घर के लिए। तो सामान सारा तो है, बस कोई परफ्यूम वगैरह ये वो, बस यही छोटी मोटी चीज़ें लेनी है वो लेंगे। मैंने भी कुछ भेजना नहीं है, बस मैंने ना देखना है कि मैंने ना 3 पीस के लिए अपने लिए कपड़ा लेके भेजना है, 3 पीस सिलवाने के लिए, वो शायद मैं लेके भेज दूँगा अपने लिए, बस और कुछ। तो अभी चलते हैं, ये बटन लेते हैं, फिर आप बताते हैं वापस। हाँ जी जी, तो वो पीस ले लिया, लेने 5 थे, बट मैंने अभी ये के लिए, मैंने नहीं, वो भाई शॉप वाले ने एक दिया, उसने कहा ये लेके जाओ, क्योंकि कंपनी का फ़र्क है, उन्होंने ये लेके जाओ पहले चेक करवाओ, अगर ये ठीक हुआ तो फिर 4 और ले लेना बिना लो भी, बाद में ना फिर वापस करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बिल बन जाए तो चीज़ें वापस वगैरह नहीं होती, मुश्किल करते हैं ये पे। तो इसलिए मैंने एक लिया, अब जा रहे हैं प्रेस पे, के प्रेस पे नहीं, शायद मैं क्वेती के ऑफिस में जाऊँगा अपने के। तो चलते हैं क्वेती से मिलते हैं, उसको ये दिखाते हैं, अगर उसने ओके कहा तो फिर और 4 ले कर जाएँगे, नहीं तो फिर एक ही, या ये भी वापस करना पड़ेगा अगर उसने कहा नहीं है। ठीक, तो अभी चलते हैं, तो जा कर फिर मिलते हैं। ओके जी। हाँ जी जी, तो हम आए इधर अब्दुल्ला भाई के पास। तो ये अब्दुल्ला भाई हमारे लिए कॉफ़ी रेडी कर रहे हैं जी, पता नहीं आज इनको कैसे हम पे रहम आया हुआ है जी। अब्दुल्ला भाई, ये वैसे कॉफ़ी किस खुशी में बन रही है? इतना प्यार जी। अब्दुल्ला भाई कॉफ़ी बना रहे हैं, पानी गर्म कर लें, फिर आपको तरीका दिखाते हैं अब्दुल्ला भाई कॉफ़ी बनाते कैसे हैं। ओके, इंस्टेंट कॉफ़ी है, वैसे है तो पैकेट वाली, बट ये देखें, ये अब्दुल्ला भाई डाल रहे हैं कॉफ़ी, ये देखें कप में, और उधर पानी गर्म करेंगे वो इसमें डालेंगे, इसमें और कुछ चीज़ डालनी नहीं है, तो ये कॉफ़ी हो जाएगी रेडी। तो पानी गर्म कर लिया, लगा दिया अब्दुल, ये आपने रेसिपी कहाँ से दी अब्दुल्ला, इतनी अच्छी रेसिपी? ये मेरे पूर्वजों की रेसिपी। पूर्वजों की रेसिपी, ठीक ठीक ओके ओके, फिर तो अच्छी होगी, अगर आपकी होती तो फिर तो मैं कभी नहीं मानता कि अच्छी। तो ये हो रहा है पानी गर्म, तो पानी गर्म हो जाए फिर कॉफ़ी बना के दिखाते हैं आपको। ओके जी जी, तो अब्दुल्ला भाई ने कॉफ़ी बना दी है, हम पीने लगे थे कॉफ़ी, ये देखें जी ये कॉफ़ी आई पड़ी है हमारी। तो अब्दुल्ला भाई चेक कर रहे हैं, अब्दुल्ला भाई ने लेने एयरपोर्ट्स न्यू वाले, तो वो चेक कर रहे हैं भाई कितने के मिलेंगे। तो जी आपने कॉफ़ी पीनी है तो पी ले, मैं तो पीने लगा। ये प्रेस रिलीज 7 सितंबर 2022। मज़ा आ गया, चलें जी मैं कॉफ़ी पी लूँ फिर करते हैं बात, ज़रा भाई से गपशप भी कर लें। तो मैं आ गया था चाचा रिजवान के साथ इधर काम, जहाँ पिछले दिन आए थे, एक शॉप बन रही थी स्टारबक्स वाली, मैंने आपको बताया था ना, तो
उधर कोई काम था तो चाची रिजवान को उन्होंने बुलाया, तो मुझे साथ आना पड़ा। चाची रिजवान ने मुझे कहा कि मेरे पास बंदा नहीं है, तुम चलो साथ और काम भी करवाओ थोड़ा सा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले वो दुकान दिखाता हूँ, फिर आपको जो काम हमने किया वो दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए माशाल्लाह, उस दिन बिल्कुल सेटिंग नहीं थी, देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये चीज़ें। ये देखें, ये देखें इधर ऐसे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई, ठीक है, दिखाऊँ आपको। 1, 2 and 3, ये देखें माशाल्लाह कितनी आउट क्लास किस्म की ना हैं पेंटिंग्स, देखें कमाल, मुझे तो बहुत पसंद आई, बहुत ही पसंद आई। और हम ये काम कर रहे थे जब से आया हूँ मैं, बिज़ी था, तो ये देखें, ये अब मैं ये टेप उतारने लगा हूँ। चाचू बाहर इसका दरवाज़ा जो है वो कलर कर रहे हैं, मैं इसकी टेप उतारता हूँ, तो टेप उतार के ये वाला काम ख़त्म करके फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। हाँ जी जी, तो काम हो गया ख़त्म, हमने कर दी गाड़ी स्टार्ट, हम जा रहे हैं वापस। वो देखें चाचू जी फेर रहे हैं, वो सामने वो नज़र आ रहे हैं, तो अभी आते हैं चाचू, बैठते हैं और फिर चलते हैं। असल में ना मैं दरवाज़ा बंद कर, असल में ना मैं ना अब इधर से ना कम से कम 60-70 किलोमीटर सफ़र है, तो अगर मैं पूरे रास्ते लगा के रखूं वीडियो तो फिर आप कहोगे कि क्या, इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे क्लिप बना के आपको बता दूं, मैं ये काम अब ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ये करने, इसलिए फिर ऐसा होता है। तो अब कर रहे हैं चाचू का वेट, क्योंकि मैंने गाड़ी स्टार्ट करके एसी लगा लिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि हल्का हल्का चलेगा क्योंकि अभी, तो चाचू आते हैं फिर निकलते हैं, तो जाते हैं। हमने मैच देखना था, आज मैच था पाकिस्तान का, तो हमें 5:30 इधर ही हो गया, मैच शुरू हो गया। अब तो मुश्किल है क्योंकि हमें घंटा डेढ़ तो पहुँचना पहुँचने लग जाएगा, फिर नहा के फ्रेश वगैरह होम काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अब आते हैं चाचू, निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं घर, फिर मिलते हैं, ठीक है जी। हाँ जी जी, तो मैं भी पहुँचा था घर, टाइम हो गया 8 का। तो खाने के लिए देखो कुछ नहीं है, सालन, तो सोच रहे थे भाई ना आलू की भुर्जी बना लें, मैंने देखे आलू भी नहीं है, अब चलते हैं बकाले पे आलू लेके आते हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं क्योंकि 9 बजे खाना होता है और 8 बज गई है, तो भुजिया बनाने में जल्दी जल्दी भुजिया बन ही जाती है। तो अब चलते हैं बकाले पे, लेके आते हैं जी हम आलू। ये हमारे आपको पता है घर के साथ ही बकाला है, चलते हैं आलू लेते हैं, चलें जी पहुँचते हैं बकाले पे, फिर आपसे मिलते हैं, ओके। हाँ जी जी, तो हम आ गए ये बकाले पे, ये है जी हमारे घर के साथ बकाला, चलते अंदर उनसे पूछते हैं आलू हैं भैया, आलू है मशहूर मशहूर आधा आलू अंजा कुल यारफना भैया पटाटो है, ये ले जी बॉडी बिल्डिंग 1 kg दे दो, 1 kg दे दो, 1 kg, हाँ 1 kg दे दो। यहाँ से लेते आलू, कुछ पीने का देखें, पीने का देखें, कुछ पीने का देखें, क्या पियेंगे इस टाइम, अब कुछ पी लिया तो फिर खाना नहीं खाया जाना। तो चलें जी हम लेते हैं आलू, आलू ले के चलते हैं घर, लच्चा जो बनाते हैं सब्जी वगैरह, फिर आपको दिखाते हैं क्या दिखाना है, कैसे बनाएंगे आलू की सब्जी, ठीक है। तो आप चलते हैं घर, फिर मिलते हैं जी जी। तो हमने सब्जी वगैरह मैंने रेडी कर ली थी, तो आलू काटे हैं, ये मसाला वगैरह बनाया है, अब ये मसाला मैं भून रहा हूँ इसमें ना घी डाल के, और ये मैंने सारा ग्राइंड कर लिया था, ये है मेरे आलू, तो ये हम पका रहे हैं, तो जैसे जैसे पकते हैं आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ, अभी तो ये भून लो, इसकी भुनाई कर लें फिर आपसे मिलते हैं, ओके। हाँ जी जी, तो हमने भून लिया है, इसमें डालेंगे आलू, ये भून के अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू, आलू डाल दिए, अब हम 5 मिनट आलू डालें, 5 मिनट डालते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल के हमने भुजिया बनानी है, तो हमने ज़्यादा वो नहीं करना, तो फिर हम थोड़ा भूनेंगे यहीं पे,
फिर एक निकाल दें पानी, तो अब जब रेडी होती है फिर आपको दिखाते हैं। फिर मैं ज़रा भूल लूँ क्योंकि मेरा एक हाथ में मोबाइल और फिर एक हाथ से डेगची नहीं संभाली जा। हाँ जी जी, तो बना लो ये ऊपर जी तैयार हो गए हमारे। तो और चाचू का वेट उन्होंने ले रोटी, वो अभी आ जाएंगे रास्ते में, रोटी लेके आ जाएंगे। तो हम करते हैं इस वीडियो का यहीं बैंड। आप अपनी दुआ मुझे याद रखिए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए, अपने इर्द गिर्द जो गरीब गुर में सबका ख्याल रखिए। मुझे एक दो फिर अपनी दुआ मुझे याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़।